जिंदाबाद 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 साडा एक जिंदाबाद 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 बड़े अफसोस की गल है कि 13 तरीक तो आप इस धरने के बैठे हैं ते कमेटी दे ते सरकार दे नुमाइंदियां दी उन्हां दे कन्न ते जमा जोर ही रही ते मैनू तो यह लगता उन्होंने शायद कमेटी जाना भी छड्डता होना। तुसी सारे भरा बैठे हो जिस दिन दे तुसी इस धरने ते बैठे हो किन्नी गारी इत्थों दे प्रधान या जिहड़े सरकार दे नुमाइंदे उन्होंने आके तुहाडा हाल चाल पुछिया कोई नहीं आई। मैनू लगता इत्थे तो उन्होंने आना ही बंद करता उत्थे तहसील च या जिहड़े इन्हां दा रिहायश है ADC दी मैनू लगता उत्थों ही आपदा दफ्तर चला रहे है। तुहाडा हाल चाल पुछण एक वारी भी इत्थे नहीं है। 6 महीने दी तनखाह तुहाडी जिहड़ी है पेंडिंग पई है। तुसीं आपदे बच्चे पालने है आपदा घर चलाना है मगर इन्हां नूं उस चीज़ नाल कोई मतलब नहीं। जिवें मेरे तो पहला गौरव जी ने दस्या इन्हां ने जिहड़े इन्हां दे अफसर बाहरों आए है वो कहिंदे है जी असीं शहर नूं चंडीगढ़ बना देंगे। भाई साहब चंडीगढ़ बनना तुहाडे बदौलत तुहानूं भुखा मार के चंडीगढ़ छड्डो अबोर भी नहीं रहना। बड़ा दिल दुखी हुंदा है जदों पता लगता है कि इन्हां ने तुहाडे 16 मुलाजम उन्हां नूं टर्मीनेट करता नौकरी चों कढ असीं किस तरह का समर्थन दिता तुसीं जी ये 13 तारीख से लगातार सफाई कर्मचारियों का धरना चल रहा है। इनकी सरकार के कानों पे जू तक नहीं रहेगी। इतने दिनों से ये लंबा संघर्ष चल रहा है इनका धरना चल रहा है इनकी सुनवाई नहीं हो रही। आज भारतीय जनता पार्टी आके इनको विश्वास दिलाया है अगर 7 दिन के अंदर अंदर इनकी मांगों की सुनवाई 17 जो मांगे इनकी उनकी सुनवाई नहीं हुई वो पूरी नहीं की तो 7 हफ्ते बाद सारी भारतीय जनता पार्टी अबोल यहाँ आके धरने में शामिल होगी। इनका समर्थन करती है भारतीय जनता पार्टी इनकी जायज मांगों का समर्थन करती है। जेड़ियाँ पुरानी पेंशन है वह बहाल की जाए तो बिना शर्त तो तरस के आधार पर नौकरी दी जाए तो वो ही तरस से अज जो इन्होंने कल नोटिफिकेशन जारी किया पंजाब सरकार ने उन्होंने साडे मुलाजमान वास्ते इन्नी कि शर्त रखती कि जिड़ी कि साडे मुलाजम पूरी नहीं कर सकते तो उस पूरे पंजाब सारे मुलाजमान भी रोस पाया जा रहा ते अज इस लैके ही अज जड़िया नोटिफिकेशन दियाँ कापियां जड़िया पूरे पंजाब चे साड़ी जानगियां ते रोष व्यक्त किया जाऊगा ते नाल ही कल जड़े नगर निगम अबोर दे SC संदीप गुप्ता जी ने बयान दिता सी कि जड़ी ये तनखावां है वो नगर निगम अबोर तो बनन तो पहला दियाँ शायद उन्हां दे ध्यान विच है नहीं कि नगर निगम अबोर 5/8/2019 नूं बनिया सी ते जड़ी साड़ी सैलरी है वो 2019 दी सितंबर ते अक्टूबर ते नाल ही 2021 दी महीना फरवरी मार्च ते अप्रैल ओने ते जेड़ा इस मई ते जून दी है वो जेड़ा सरकार दा फैसला होगा वो सानू मंजूर होगा। ते एक जेड़ा और मैं तुहानू ध्यान विच गल लैना चाहना मेहता जी कि जेड़े ने ब्लैक एक्ट जेड़ा चलाया है काला कानून ये अबोर विच नहीं चलन देना क्योंकि जदों से ने 22 बंदयां दी लिस्ट कढ़ी भी इन्हां दा डॉक्टरी मैडिकल चैकअप कराया जावे ते 5 जिहड़े साडे सफाई कर्मचारी सी उन्हां नूं नौकरी तो बरखास्त कर दिता
ते जेड़े साढ़े 16 मुलाजम कच्चे सी उन्होंने बर्खास्त कर दिता। उसनू लैके पूरा वाल्मीकि समाज सारिया जेड़िया राजनीतिक पार्टियां तो उत्ते उठ के माननीय श्री चौधरी संदीप जाखड़ जी नू मिलिया सी ते ओदे उन्होंने सानू विश्वास दिलाया सी कि जेड़े है 16 बंदे है जेड़े कच्चे साढ़े कर्मचारी है उन्होंने भी रख लिया जाऊगा। मेयर साहब जी का जुम्मे कम लगाया सी ते जेड़े 22 बंदे है उन्हां दा कोई भी डॉक्टरी चेकअप नहीं होगा ते उन्हां दे उत्तों भी हो के ये फिर दोबारा रिपीट रिमाइंडर जिन्हों कहने आपां वो लैटर कढ़दे पए ने कि मुलाजमां दा जेड़ा है वो डॉक्टरी चेकअप जेड़ा होगा। तो मैं उन्होंने पूछना चाहना कि वो चौधरी संदीप जाखड़ जी तो भी बद के हो गए जदों कि पूरा वाल्मीकि समाज उन्होंने गलबात करके आया सी सारी जिहड़ी समाजिक बंदे ने जिहड़े साढ़े वाल्मीकि समाज दे ने दोनों पार्षद साहिबान जिहड़े कि श्री ओम प्रकाश जी दलोर जी राजकुमार टांक काली जी ते विनय कुमार जी ते धर्मवीर जी जिहड़े हैगे ने वो बीमार ने वो भी उन्हां दी भी जिहड़ा उन्होंने कहा भी समाज च जिहड़ा भी जो कुछ भी है मैनू मंजूर है जो समाज करूगा वो मैं करांगा। धर्मवीर मलकड़ जी ते रवि मलकड़ जी प्रेम कुमार जात जी प्रेम कुमार डुलगत जी चांद कुमार जी संजय मास्टर जी संघर्ष की रूपरेखा की रहेगी रूपरेखा ये है जी वे जड़े भी है एक काले कानून इनू बंद किया जाए जिहड़ियां साडियां तनखावां है वो जल्द तो जल्द जारी की।